हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल यस्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित की प्रश्नावली 10.3। तो इसके हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इन 5 क्वेश्चनों में हमें पढ़ना क्या है। तो हम पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल कैसे निकालना होगा, जैसे आपको दो सदिश दिए गए, पहला सदिश दिया गया ए और दूसरा सदिश यदि हमें बी दिया गया है, तो दोनों का यदि हम अदिश गुणनफल निकालते हैं तो वो कहलाता है ए डॉट बी। ठीक है ना, अदिश गुणनफल को हम डॉट गुणनफल भी कहते हैं। जैसे हम ए और बी कोई दो एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने एक सदिश ए मान लिया जे है और एक सदिश बी मान लिया। अब हमें इन दोनों का डॉट गुणनफल करना है, मतलब यहाँ पे हमें 2i+3j+4k और इसका गुणा हमें करना है 4i+5j के साथ करना है, +6k के साथ करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम डॉट गुणा करते हैं तो इस डॉट गुणा में केवल i का गुणा i के साथ होता है और j का गुणा j के साथ होता है, k का गुणा k के साथ होता है। ठीक है ना, तो i का गुणा i के साथ होता है। तो ध्यान रखना, जब i डॉट i गुणा करते हैं तो i डॉट i का गुणा जो होता है वो होता है 1, और j का यदि आप गुणा करते हैं तो j डॉट j का मान भी कितना होता है 1, और यदि हम k डॉट k करते हैं तो k डॉट k का गुणनफल भी कितना होता है 1 होता है। यदि हम बात करें i का, यदि किसी और के साथ आप करते हो, i का j के साथ गुणनफल होगा 0, या फिर j का i के साथ करोगे तो भी 0 होगा। i का यदि हम k के साथ करें तो भी डॉट गुणनफल 0 होता है, j का k के साथ करें तो भी डॉट गुणनफल 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है, i का i के साथ केवल 1 होता है, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1 होता है। तो इस वजह से जो है हम i का i के साथ करते हैं, क्योंकि i का j के साथ 0, i का k के साथ 0 होगा। उसी टाइप से j का हम j के साथ करेंगे, क्योंकि j का i के साथ करेंगे 0 होगा, जे का के साथ करेंगे 0 होगा। उसी टाइप से हम के का केवल के साथ करेंगे तो 0 नहीं होगा, के का आई के साथ करेंगे, के का जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से केवल हम जो है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ करते हैं, के का के साथ करते हैं। तो जैसे इसमें 2i का गुणा 4i के साथ करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और आई और आई का गुणनफल हो जाता है 1, इसलिए 1 यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। 3j का गुणा यदि 5j से आप करते हैं तो 3 × 5 = 15j × j आएगा, और j × j भी 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 4k का गुणा 6k से करते हो तो 4×6 = 24 हो जाएगा, और आपको k × k लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि k × k कितना हो जाएगा 1। अभी यदि इन सबको जोड़ देते हैं तो जो भी आपका योगफल आएगा वो कहलाएगा डॉट गुणनफल। तो डॉट गुणनफल हमेशा अंकों में आंसर आता है, ठीक है ना। तो डॉट गुणनफल इस प्रकार से निकालते हैं। तो डॉट गुणनफल का एक तरीका हमने ये देखा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो यहाँ पे तरीका है, यदि हमें दो सदिश ए और बी दिए गए हैं, ए और बी यदि हमें दो सदिश दिए गए हैं और उनके बीच का कोण यदि हमें थीटा दिया गया है, तो फिर डॉट गुणनफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, ए डॉट बी बराबर ए का मापांक इंटू बी का मापांक बराबर कॉस थीटा होता है। फिर ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब आपके पास थीटा पता हो। तो ए डॉट बी जो हमें निकालना है, तो ए का मापांक, बी का मापांक और कॉस थीटा, ये फार्मूला लगाते हैं ए डॉट बी का। इसी से जो है आप चाहें तो कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा यदि किसी सवाल में हमें कोण ज्ञात करना होगा तो फिर ए डॉट बी बटे ए का मापांक और बी का मापांक करेंगे तो इससे कॉस थीटा का मान निकलेगा, और इससे ही आप आगे करेंगे तो थीटा का मान मिल जाएगा। और इसी में तीसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे यदि हम कहें थीटा का मान 90 हो जाए तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो फिर 0 × |a|b करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो मतलब हमने कहा कि यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाता है तो फिर जो है ए डॉट बी का जो मान होता है, ए डॉट बी का मान यहाँ पे |a|b और कॉस यहाँ 90 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, 0 × कुछ भी करेंगे तो पूरा मान कितना आ जाएगा 0। तो इस वजह से ध्यान रखिए, यदि थीटा का मान 90 है तो ए डॉट बी का मान 0 होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि ए डॉट बी का मान 0 है तो दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 अंश होगा, मतलब दोनों सदिश कैसे माने जाएंगे, लंबवत माने जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 अंश है। तो ध्यान रखना, यदि हमें दो सदिश ए और बी दिए जाए और कहा जाए लंबवत सिद्ध कीजिए,
दीजिए तो हम चेक करेंगे कि ए डॉट बी का जो डॉट गुणनफल है यदि जीरो आ जाएगा तो उनके बीच का कोण 90 अंश माना जाएगा, मतलब ये सदिश लंबवत कहलाएंगे। इसके बाद हम प्रक्षेप समझ लेते हैं। यदि हमें एक सदिश ए दिया गया है और ए सदिश का हमें बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है ध्यान देना, यदि हमें ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप करना है तो फार्मूला होता है ए डॉट बी बटे जो है बी पर हम ज्ञात कर रहे हैं तो बी का मॉड होता है नीचे, मतलब जो यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहे थे उसी फार्मूला जैसा होता बी पर करते हैं तो केवल मॉड बी बस होता है नीचे। लेकिन यदि हम ऐसा करते कि b का a पर ज्ञात करते, ठीक है ना, b का a पर प्रक्षेप यदि हम ज्ञात करते तो b का a पर जो प्रक्षेप होता, यहां पे हम b a डॉट करें, देखो यहां पे ध्यान देना, चाहे हम a डॉट b करें या b डॉट a करें इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां b का a पर प्रक्षेप जो हम निकालेंगे a डॉट b या b डॉट a कुछ भी लिखें, लेकिन a पर हम निकालते हैं तो मॉड a चलेगा बटे में। तो ध्यान देना प्रक्षेप ज्ञात करने का जो फार्मूला है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं तो जिस पर हम ज्ञात कर रहे हैं उसे बटे में लेना है, यहाँ ए पर ज्ञात कर रहे हैं तो ए को बटे में लेना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दो सदिशों ए और बी की बात हो रही है, उनके परिमाण जो है क्रमशः करणी 3 और 2 हैं, ए डॉट बी का मान करणी 6 है, तो हमें ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे हमें ए का परिमाण दिया गया है, मतलब ए का मापांक कितना दिया गया है, करणी 3 दिया गया है, और बी का मापांक कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और यहाँ पे ए डॉट बी का मान जो है हमें कितना दिया गया है, ए डॉट बी का मान जो है दिया गया है करणी 6 दिया गया है। तो एक चीज़ देखिए, हमें निकालना है उनके बीच का कोण निकालना है। यदि हम मान के चलते हैं इनके बीच का कोण थीटा हो तो फिर जो है फार्मूला होता है जो इनके बीच का कॉस थीटा ज्ञात करने का, हमने बताया था कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बटे ए का मापांक और इंटू बी का मापांक होता है। तो इस फार्मूला को यदि हम लगाते हैं तो यहाँ पे ए डॉट बी का मान कितना है, करणी 6 है, करणी 6 रखा, और यहाँ पे मॉड ए कितना है, करणी 3 है, और यहाँ पे बी कितना है, 2 है। तो अब यदि आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 से जो है 6 को तो हम काट सकते हैं, तो 3 से यदि 6 को काट देते हैं तो ऊपर बचे होंगे करणी 2 और नीचे कितने बचे होंगे, 2। अब देखिए इसे जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, करणी 2 जाके था, इस 2 को हम करणी 2 इंटू करणी 2 यदि लिख देते हैं तो एक करणी 2 यहाँ पे कट जाएगा, 1 बटे करणी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस थीटा का मान जो है 1 बटे करणी 2 आ चुका है, और कॉस थीटा बराबर हमें पता है जो 1 बटे करणी 2 होता है कॉस 45 का मान है, तो इसकी जगह कॉस 5/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ कॉस कॉस अलग हो जाते हैं तो उनके बीच का कोण जो है थीटा का मान कितना आ जाता है, 5/4, तो अतः जो है दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है 45 अंश होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, दो सदिश दिए गए हैं, इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो मान के चलते हैं पहला सदिश जो है हमने ए मान लिया है, तो मान के चले हैं हम ए सदिश जो है यहाँ पे है i-2j+3k, यहाँ पे दो सदिश जो है, एक को हमने a मान लिया है तथा दूसरे सदिश को हमने b मान लिया है जो कि है 3i-2j+k है, हमने दोनों सदिशों को a और b मान लिया है। अब देखिए हमें पता है कि उनके बीच का कोण जो cos थीटा बराबर होता है a डॉट b बटे a का मापांक b का मापांक, तो पहले हम जो है a डॉट b निकाल देते हैं, a डॉट b क्योंकि हमें फार्मूला में रखना पड़ेगा, मतलब i-2j+3k, इसका हमें जो है डॉट गुणा करना होगा किसके साथ, 3i-2j+k के साथ करना होगा, और यहाँ पे जैसे ही आप गुणा करोगे तो यहाँ i का गुणांक 1 है, 1 का गुणा आपको 3 से करना होगा तो 3 एकम 3 आएगा, और i और i का 1 हो जाता है तो 1 नहीं लिखते हैं, -2 का गुणा -2 से करेंगे +4 आएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो +3 आएगा, 4 3 7 3 10 हो जाएगा a डॉट b। अब हम जो है a का मॉड ज्ञात कर लेते हैं, a का परिमाण ज्ञात करते हैं, तो a का परिमाण क्या होगा, यहाँ पे 1 -2 3 है, तो इनके गुणांकों का वर्ग करते हैं तो परिमाण मिलता है, तो 1 का वर्ग -2 का वर्ग और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, और यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 10 4 14 हो जाएगा यहाँ पे मॉड ए। अब हम मॉड बी ज्ञात करते हैं,
तो मॉड बी क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 2 का वर्ग और 1 का वर्ग होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग करेंगे और प्लस जो है 1 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, तो यहाँ पे भी करणी 14 आ जाएगा। अब यदि हम मान के चलते हैं जो दोनों सदस्य ए और बी थे इनके बीच का कोण थीटा हो, तो मान के चले यदि दोनों सदस्यों के बीच का कोण थीटा हो तो हमें पता है कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है ए डॉट बी बटे ए का मापांक इंटू बी का मापांक होता है। तो हमने ये फार्मूला लगाया, आप देखिए इसमें ए डॉट बी कितना आया था 10 10 रखा, और मॉड ए कितना आया करणी 14, और मॉड बी कितना आया करणी 14 आया, और यहाँ पे यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे 10 और करणी 14 और करणी 14 का 14 बाहर हो जाएगा, और इन्हें आप सरल कर देते हैं 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 5/7, मतलब हम कह सकते हैं कॉस थीटा का जो मान आया है वो 5/7 है। 5/7 तो किसी थीटा का मान होता नहीं है कॉस में, तो हम क्या करते हैं फिर थीटा बराबर ऐसा लिख देते हैं कि कॉस इनवर्स 5/7 लिख देते हैं, यही हमारा अभीष्ट कोण हो जाएगा दोनों सदस्यों के बीच का, यही हमारा आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, एक सदिश पर जो है दूसरे सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो दिए गए दोनों सदिश हैं, मान के चले हम जो पहला सदिश है उसे हमने ए का नाम दिया जो आई प्लस जे है, तथा दूसरा सदिश जो है उसे हमने बी मान लिया है जो कि आई माइनस जे है, इसे हमने बी मान लिया है। अब देखिए हम प्रक्षेप निकालेंगे तो देख लेते हैं, सदिश जो ऐसे हमने ए माना है तो ए पर हमें बी का प्रक्षेप निकालना है, तो हमने लिखा क्या आता है सदिश ए पर, क्योंकि पहला जो है हमने सदिश ए माना है, तो सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप हम निकालेंगे, तो सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप। अब यहाँ प्रक्षेप का जो हमने फार्मूला बताया था वो फार्मूला लगाना होगा, तो ऊपर तो होता है ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी लिखा, अब नीचे क्या होता है जिस पर हम निकालते हैं, ए पर निकाल रहे हैं तो नीचे जो होता है ए का मॉड होता है। अब देखिए आगे आप करेंगे तो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान जो है आई प्लस जे हमने रखा है, और डॉट गुणनफल करना था बी के साथ, तो बी का मान कितना है आई माइनस जे है, तो आई माइनस जे रखा, और बटे जो है मॉड ए करना है, मॉड ए मतलब यहाँ पे जे है, तो इनके गुणांकों का वर्ग आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे, प्लस जे का गुणांक भी 1 है तो 1 का वर्ग यहाँ पे करेंगे। अब यदि इन दोनों का डॉट गुणनफल निकालेंगे तो आई के गुणांक का गुणा आई से करते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, और यहाँ पे जे का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है, तो 1 का हम -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा 0/(करणी 2), मतलब प्रक्षेप कितना आया 0 0 प्रक्षेप आया, यही हमारा आंसर होगा। और एक चीज़ और आप याद रखना, यदि एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप 0 है तो वो दोनों सदिश लंबवत माने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो पहले तो जो दिए गए सदिश हैं उनको आप मान के चलें ए और बी सदिश, तो ए सदिश हो गया जो है आई प्लस 3j+7k, तो जे एक सदिश हो गया ए, तथा दूसरा सदिश जो दिया गया है उसे हम बी सदिश मान के चलेंगे जो 7i-j+8k है, इसे हमने बी सदिश का नाम दिया। अब हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, क्योंकि जे बी माना है जे ए माना है, तो हम लिखेंगे आता है जो है सदिश ए का सदिश बी पर, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप हमें निकालना है, तो हमने बताया प्रक्षेप का जो फार्मूला बताया था ए डॉट बी करते हैं ऊपर, और बटे क्या करते हैं बी पर निकाल रहे हैं, तो बी सदिश का मोड रखना होगा नीचे। अब देखिए ए का मान कितना है आपके पास आई प्लस 3j+7k है, तो हमने ए सदिश का मान रखा है और डॉट लगाया, फिर बी सदिश का मान यहाँ पे कितना है 7i-j+8k, तो हमने जे बी सदिश किया, इन दोनों का हमें डॉट गुणनफल निकालना पड़ेगा, और फिर मॉड बी मतलब बी का हमें परिमाण रखना होगा, तो बी का परिमाण कैसे निकालेंगे करणी के अंदर, यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे प्लस यहाँ जे का गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पे 8 है के का गुणांक तो 8 का वर्ग करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे
डॉट गुणनफल में आई का आई के साथ, जे के साथ, के के साथ होता है, तो आई का गुणांक एक है, एक का गुणा सात के साथ करेंगे सात आएगा, और तीन का गुणा माइनस वन के साथ करेंगे माइनस तीन आएगा, और सात का गुणा आठ के साथ करेंगे तो छप्पन आएगा। और नीचे देख लेते हैं, नीचे यदि आप सॉल्व करेंगे तो सात का वर्ग 49 आएगा, और ऋण एक का वर्ग जो है धन एक हो जाएगा, और आठ का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 56 और 7 जोड़ेंगे तो 63 में से 3 घटा लेंगे तो कितने आ गए 60। और नीचे यदि आप जो 49 और एक 50, 50 और यहाँ पे 64 को यदि आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। और यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक जो है मात्रक सदिश है, मतलब आपके पास तीन सदिश दिए गए हैं, तीनों मात्रक सदिश हैं, पहले हम इतना दर्शाएंगे उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक सदिश ए माना, एक सदिश बी माना और एक सदिश सी माना। तो हमने पहले इन तीनों सदस्यों को ए बी सी नाम दिया। आप देखिए 1/7 का जो है यदि आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2/7 आई बन जाएगा, यहाँ पे 3/7 जे बन जाएगा, यहाँ पे 6/7 के बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सदस्य हो जाएगा, यहाँ भी 1/7 का गुणा करेंगे तो 3/7 आई हो जाएगा, और यहाँ पे 6/7 जे हो जाएगा, और यहाँ पे 2/7 के हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/7 का यदि आप गुणा करेंगे तो 6/7 आई हो जाएगा, और यहाँ पे 2/7 जे हो जाएगा, और यहाँ पे 3/7 के हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों सदिश आ चुके हैं। अब हमें प्रत्येक मात्रक सदिश बताना है कि मात्रक सदिश होगा तो मात्रक सदिश वो सदिश कहलाते हैं जिनका परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो हम जो है ए सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, तो हमने लिखा अब हम जो है ए सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो ए सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाएगा, करणी के अंदर 2/7 का वर्ग करेंगे और प्लस जो है 3/7 का वर्ग करेंगे तो 3/7 का वर्ग होगा, और जो है 6/7 का वर्ग करेंगे तो 6/7 का वर्ग किया जाएगा। और वर्ग करने पे देखते हैं 2/7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4/49 आएगा, और 3/7 का वर्ग करेंगे तो 9/49 आएगा, और यहाँ पे 6/7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 36/49 आएगा। अब यदि आप इनको एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम तो यहाँ पे नीचे 49 ही रहेगा, और ऊपर की संख्या 4, 9 और 36 जोड़ के 49 हो जाएंगी, तो 49 कट गए, करणी एक आ जाएगा, करणी एक का मान एक हो जाएगा, मतलब ए सदिश जो है बिल्कुल एकांक सदिश है, मात्रक सदिश है, क्योंकि उसका परिमाण एक आ चुका है। इसी टाइप से हम बी सदिश का मान निकालेंगे, बी सदिश का परिमाण, तो यहाँ पे बी की बात करें तो बी के जो आई जे के गुणांक है इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे होगा 3/7 का वर्ग होगा, फिर यहाँ पे 6/7 का वर्ग, माइनस के 6/7 है तो इसका वर्ग करना होगा, फिर यहाँ पे 2/7 का वर्ग करेंगे, और फिर यदि आगे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3/7 का वर्ग करेंगे 9/49 होगा, और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 2/7 का वर्ग करेंगे तो 4/49 फिर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि नीचे एलसीएम जो है 49 होगा, ऊपर जोड़ देते हैं तो फिर 49 49/49, करणी एक का मान भी एक हो जाएगा, तो बी सदिश भी एकांक सदिश होगा। इसी प्रकार हम सी का भी परिमाण ज्ञात करेंगे, तो सी सदिश का भी हमने परिमाण ज्ञात किया, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आई का गुणांक 6/7 है तो 6/7 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ जे का गुणांक 2/7 है, 2/7 का वर्ग होगा, और प्लस जो है के का गुणांक -3/7 है तो इसका भी हम वर्ग करेंगे, बराबर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 6/7 का वर्ग करेंगे तो 36/49 मिलेगा, 2/7 का वर्ग करेंगे तो 4/49 मिलेगा, और यहाँ 3/7 का वर्ग करेंगे तो 9/49 मिलेगा। अब यहाँ पे फिर आपका एलसीएम 49 हो जाएगा, और 49 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 36, 4 और 9 जोड़ोगे तो 49 फिर हो जाएंगे, मतलब करणी एक बन जाएगा, करणी एक का मान कितना हो जाएगा एक, मतलब हम कह सकते हैं चूंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि ए का परिमाण और बी का परिमाण जो है और सी का परिमाण, तीनों के परिमाण कितने आए हैं, एक आए हैं, अतः ए बी सी सदिश जो है प्रत्येक सदिश कैसा है, एक मात्रक सदिश है। तो हमने लिखा था ए बी सी जो प्रत्येक सदिश है वो मात्रक सदिश है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना था, दर्शाना था कि ए सदिश परस्पर कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं।
और हमने बताया था लंबवत के लिए क्या दर्शाना होता है, उन दोनों सदिशों का डॉट गुणनफल जीरो हो जाए। तो वे सदिश कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक बार हम ए का बी के साथ डॉट गुणनफल निकालेंगे, फिर ए का सी के साथ डॉट गुणनफल निकालेंगे, फिर बी का सी के साथ डॉट गुणनफल निकालेंगे, और यदि इन सबके डॉट गुणनफल जीरो जीरो आ गए तो हम कहेंगे ए बी पर लंबवत है, बी सी पर लंबवत है और ए सी पर लंबवत है। तो इसके लिए हमें डॉट गुणनफल निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं और देखते हैं ए डॉट बी का मान जीरो आता है कि नहीं। तो ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे। तो हमने ए सदिश का मान रखा, बी सदिश का, अब इनका डॉट गुणनफल यदि आप निकालेंगे तो आई का आई के साथ करना होता है, तो 2/7 का गुणा 3/7 के साथ होगा, तो 2 × 3 = 6/49 आए होंगे। और यहाँ पे फिर जो है 3/7 का गुणा 6/7 के साथ करेंगे, तो प्लस और माइनस का चिन्ह जो है माइनस आया होगा, और 6 × 3 = 18/49 आएंगे माइनस के। और यदि हम बात करें 6/7 का गुणा 2/7 से होगा, तो यहाँ पे 6/7 का 2/7 के साथ करेंगे, तो 6 × 12/49 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6/49 और 12/49 जो है हो गए 18/49, और 18/49 कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए डॉट बी का मान जीरो आ गया है। तो ए और बी दोनों सदिश एक दूसरे पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे। अब हम जो है बी डॉट सी निकालेंगे, तो बी डॉट सी निकालेंगे तो बी का मान जो है और सी का मान दोनों का डॉट गुणा करेंगे। फिर यदि हमने बी का मान रखा, सी का मान, दोनों का डॉट गुणा करेंगे, तो 3/7 का गुणा 6/7 के साथ करना होगा, तो 6 × 3 = 18/49 आएगा। और माइनस और प्लस का करेंगे तो माइनस 6/7 का 2/7 से करेंगे, तो 6 × 12/49 आ जाएगा। 2/7 का माइनस 3/7 से करेंगे तो माइनस के 6/49 आ गए। अब 49 तो एलसीएम है, 12 × 6 = 18 और 18 कट जाएंगे, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। मतलब बी और सी सदिश भी क्या है, एक दूसरे पर लंबवत हैं। इसी टाइप से हम सी ए निकालेंगे, सी ए या ए सी एक ही बात है, कोई अंतर नहीं होता है इनमें, ठीक है ना। तो सी ए निकालेंगे, तो सी डॉट ए निकालेंगे, तो सी का मान और ए का मान रखेंगे। अब देखिए हमने सी का मान रखा और ए का मान रखा, इन दोनों का डॉट गुणा करेंगे, तो आई का आई के साथ करना है, मतलब 6/7 का 2/7 के साथ गुणा करेंगे, तो 6 × 12/49 आएगा। और 2/7 का 3/7 के साथ करेंगे, तो 2 × 3 = 6/49 आ जाएगा। और माइनस और प्लस का करेंगे तो माइनस 3 × 6 = 18/49 आ जाएगा। 49 एलसीएम है, 12 × 6 = 18, 18 कट जाएंगे, यहाँ भी जीरो आएगा। मतलब सी डॉट ए का मान जीरो है, तो सी और ए भी क्या है, परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो अब हमने लिखा, चूंकि यहाँ पे ए डॉट बी का मान जो है जीरो आ चुका है, और बी डॉट सी का मान भी कितना आ गया है, जीरो, और सी डॉट ए का मान भी हमने निकाला है, तो जीरो आ गया है। मतलब हम कह सकते हैं अतः जो है प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो हमने लिखा अतः जो है ए बी सी में से प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लंबवत है।